गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे थे? कैलकुलेशन के पार्ट सीख रहे थे, ठीक ना? तो देखिए, हम आपको कैलकुलेशन कुछ कुछ सिखा चुके हैं, आज उसके हम आगे सिखाने वाले हैं ना। तो देखो, लास्ट क्लास में हम आपको a माइनस बी और a प्लस बी का कैलकुलेशन सिखा दिए थे ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप लोग इसे बचपन क्लास में यूज करते आ रहे थे, आप इसको क्लास 8 में पढ़ होंगे, पढ़े ना। लेकिन इसका फर्दर आप लोग एप्लीकेशन यूज नहीं किए, आप लोग इसको आगे यूटिलाइज नहीं ना है, तो आपको ये कैलकुलेशन क्या होगा, खत्म हो गया। लेकिन अभी से इसको कई बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्या होगा, ये आ पाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? तो थर्ड में आपको ये नोट करना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस का सम, यूनिट प्लेस का सम क्या होना चाहिए? 10 के बराबर। अब बाकी जो 10 प्लेस या 100 प्लेस या 1000 प्लेस का नंबर हमेशा सेम सेम होना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं यहां पहले समझो, पहले तो एक बार आपको बता दिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं, है ना, 73 लेते हैं इनटू 77 लेते हैं, है ना। तो देखो, यूनिट प्लेस का सम कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर, है ना। तो पहले आपको नोट क्या करना है कि सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। देखो, 7 और 3, 7 और 3 कितना हो गया 10। यूनिट प्लेस का सब कितने? 10 के बराबर। बाकी जितने भी बचेंगे, चाहे 10 प्लेस का नंबर हो या 100 प्लेस का नंबर हो या 1000 प्लेस का नंबर हो, सेम से होना चाहिए। एंड रिमेन नंबर आर सेम, अंडर इट ना, एंड रिमेन डिजिट आर सेम। रिमेन जो बचे हुए जो डिजिट रहेंगे सेम सेम होंगे। और यहाँ भी 12 है तो 12 यहाँ भी आना चाहिए, 13 यहाँ है तो 13 यहाँ भी आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फास्ट में दिए देखो। तो हम तुम्हें स्टेप फर्स्ट लिखा रहे हैं, स्टेप भी साथ साथ लिखते चलो बाकी, ताकि आप लोग बार बार लिख लो तो अच्छा रहेगा। पहले 3 × 7 कर देना है 21, तो आपको क्या करना है, 21 पहले फिलअप कर देना, 21 पीछे से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिर स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में 7 से 1 इंक्रीज करना, 7 से क्या करना, तो 1 इंक्रीज करो, 7 से 1 इंक्रीज करो, 8 × 7 करो 56, और 56 को आंसर प्लेस करो, ये भी तुम्हारा आंसर होगा ना, चेक कर लो कैलकुलेटर निकाल के। ठीक है, ये अपना आंसर होगा, शॉर्ट में सीख पाए फिर से सीखो। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 89, चलो एक और इजी क्वेश्चन लेता हूँ, 64 × 66। देखो, यूनिट प्लेस का सम कितने के बराबर? 10 के बराबर। बाकी जो 10th प्लेस का डिजिट है क्या सेम है कि नहीं सेम है? तो पहले क्या करेंगे, 6 × 4 कर लेंगे 24, फिर 1 इसको इंक्रीज कर देना, मतलब 7 से इसको मल्टीप्लाई, 46 तो 42 24 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 42 24। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और भी क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बताओ, 89 × 81, इसका भी सम क्या आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम क्या करोगे, 9 × 1 9 कर दोगे, फिर 8 में 1 इंक्रीज कर देना, 8 में कितने थे, 9 9 8 72। क्या तुम्हारा आंसर आएगा? आंसर तुम्हारा ये नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा 2 डिजिट लाना पड़ता है, कितने डिजिट, 2। तो यहां पे इस आपको बीच में 0 प्लेस करना पड़ेगा, बीच में क्या करूं, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 9 × 1 करें तो 9 ही हो गया, 9 × 1 करेंगे तो कितना हो गया, 9, तो 9 को पुट अप करना है और साथ साथ इसको एक 0 पे प्लेस करना है, तब 9 8 72 लिखना है। तो ये बात समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे से कि 0 कैसे प्लेस होता, तब ही प्रॉपर आंसर सही होगा। ठीक है, चलो तो एक और देखते हैं, 3 डिजिट नंबर पर देखते हैं, 13 33 × 13 37, ये सबको दिख रहा है, यूनिट प्लेस का सम कितना, 10 के बराबर। 10 और 100 प्लेस क्या, 13 13 6 है, तो फिर क्या करेंगे, हम सत्य कैश कर लेंगे, सत्य कैश करेंगे। अब तुम्हें करना 12 × 13 × 13 करना है, क्या करना, 13 × 13, तो 13 × 13 कितना होता है, 169, सॉरी 13 नहीं, क्या भी बोले थे, 13 को एक बढ़ा देना है, 13 को एक बढ़ा देना, 14 × 13 करना, 14 × 13। अब इसको कैसे करोगे, थोड़ा यहाँ पर सीख लो, ऐसे कर सकता ना 14, है ना, समझ में आने बात। तो इसको 13 + 1 बोल सकते हैं, अभी 13 × 13 क्या आएगा, 169 स्क्वायर बन जाएगा, तो 169 में आपको 13 को ऐड करना, 9 3 12 12 के कैरी 1 6 7 1 8, अभी हो जाएगा, तो इतना ही आंसर आएगा, है ना। तो 3 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट से ये समझ में आई आपको, क्या आपका था
यूनिट प्लेस का सम हमेशा 10 के बराबर होना चाहिए। 7 और 3 कितना 10, बाकी ये सेम शेप 13, ये भी 13, तो क्या करने पर 7 इंटू 3 कर दे 21, फिर 13 को एक इंक्रीज कर देना तो 14, 14 इंटू 13 कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई करना ब्रेक करके। इसलिए मैं आपको बोला था स्क्वायर याद करो, देखो स्क्वायर याद करने से कितना फर्क हो गया, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 13 ऐड करनी है कितना आ गया 182 आ गया, तो दैट्स योर आंसर फाइनल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक, और भी देते हैं, इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन करना जैसे ही मतलब इरेज करेंगे ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और फटाफट देख लेते हैं, 984 into 986 है ना। देखो अभी भी यूनिट प्लेस का सम कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर, बाकी ये दोनों प्लेस का नंबर सेम सेम है ना, तो सेम सेम है तो यही वाले टॉर्च लगाना, क्या करना पहले 4 into 6 कर देना, 24 प्लेस कर देंगे। अब तुम्हें क्या 98 को एक बढ़ाना, 98 को एक बढ़ाना मतलब 99 में आपको क्या करना, 98 से मल्टीप्लाई करना, 99 में 98 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखो इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको क्या 100 माइनस 1 बोल सकते हैं, बताओ ये नहीं 99 को 100 माइनस 1 बोल सकते हैं ना। अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 900 फिर माइनस कर दो 98, अब बताओ 100 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ लिख लो बताओ कितना बचेगा, 9702 नहीं बचने वाला है क्या, नहीं बचेगा है ना, तो दैट्स मीन आंसर। समझ में आया बात ना कैसे करना आपको शॉर्ट में, कि 99 है तो अब ये वो नहीं मल्टीप्लाई करने जाएंगे हम, उसको क्या बेस किसके बेस में है, 100 के बेस में है, तो 100 माइनस 1 कर देंगे। अब हम इसको ये क्यों नहीं लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये दोनों का सम क्या है, इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा, 10 के बराबर नहीं आ रहा, क्या दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर आ रहा, तो नहीं, वो नहीं लग रहा ना, इसलिए नहीं लगा है। बस यहाँ पर कुछ को शॉर्टकट अपने से भी कर लेना, कि 99 को 100 माइनस 1 कर देना और फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को करके सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर बना लेना। ठीक है, तो आप देखते हैं, चलो रोल नंबर 4 की बात करते हैं। रोल नंबर 4 क्या है, आप लोग हेडिंग फट से बना लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर है ना, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आपको बचपन में फॉर्मूला एक पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, बताओ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, इसी फॉर्मेट से मैथमेटिक्स अभी बनने वाला आपका डिजिट वाला, तो आपको ये तो पता, लेकिन जब भी नंबर दोनों को अटैच कर देंगे ए बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर 2ab लगाना है और क्या लगाना, b स्क्वायर। अब बताओ किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो कैसे, क्वेश्चन 86 है, 86 का होल स्क्वायर है, तो आपको इसको क्या मानना है, a मानना है, इसको क्या मानना है, b मानना, और आपको स्टार्ट यहाँ से करना, b से स्टार्ट, b स्क्वायर से स्टार्ट करना, हाँ ऑलवेज आंसर करोगे b स्क्वायर से, अब देखो b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b बराबर है क्या 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 कैरी कितना हो जाएगा 3, ये बात समझ में आता, a into b 8 दुना 48, 48 दुना 96 है ना, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 96, और 96 में 3 को ऐड करना 99, 99 से कैरी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है ना, करना कॉपी पर तो समझ में आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर है क्या 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 13 मतलब 73, 73 96 तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा, तो स्क्वायर निकालेंगे सीखे हाँ ये नहीं है ना। देखो फिर से समझो इसी चीज को, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, 78 का स्क्वायर करना है ना, तो हम क्या बोले पहले वाले को b मानो, सेकंड वाले को क्या मानो a मानो, तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि b का स्क्वायर करना, b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 की कितना लिखाएगा 4, कैरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ तो बस समझ आ गया। सेकंड स्टेप में करना है 2ab, स्टेप नंबर सेकंड 2ab करना है, a के जगह पर कितना है 7 है, b के जगह पर क्या है 8 है, तो 2 into 7 into 8 56, 56 दुना 112, 112 ही आएगा, हाँ 112 ही आएगा ना।
अब 112 में तो पहले वाला कैरी था, कैरी मतलब ऐड कर डाला, कैरी कितना बचा 6, तो 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो 118 आ जाएगा, 118। अब देखो 118 कितना लिखोगे, यहां पर 8 लिखोगे क्योंकि पहले ही इस वाले वीडियो में बता चुके थे 18 को कितना लिखोगे, 8 लिखोगे, 11 यहां पर क्या हो जाएगा वापस कैरी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप थर्ड में किसका को करना है, ए स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और कैरी पहले का कितना था 11, तो 11 के ऐड कर दो तो ये 60 के बराबर आ जाएगा, क्या 60 के बराबर, तो यही तुम्हारा आंसर आएगा। तो स्क्वायर निकालना सीखे, कैसे सीख पाते शॉर्टकट में, है ना। दो डिजिट नंबर का जब भी स्क्वायर पूछे तो हम इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा लेंगे निकाल देंगे, आपको 3-4 प्रैक्टिस करना पड़े घर पर तो खुद ही समझ में आएगा। अब किसी नंबर का तुम निकालो फिर अपने कैलकुलेटर से चेक करो या फिर अपने खुद से करके चेक करो कि आंसर आता है कि नहीं आता है ना, आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखते हैं इसी में एक रूल और आती है, ठीक फटाफट वीडियो देख लेते हैं। देखो इफ यूनिट प्लेस स्क्वायर ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्क्वायर, इफ यूनिट प्लेस इज 5, यूनिट प्लेस दोनों का क्या होना चाहिए 5, एक का होगा तो उसका ऑटोमेटिक क्या होगा स्क्वायर, उसका 5 भी होगा ना, 5 भी होगा यूनिट प्लेस ना, हाँ तो स्क्वायर इफ यूनिट प्लेस इज सेम एंड देखो स्क्वायर का सीन बस यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 5, जैसे एग्जांपल पहले एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं उसको बता देंगे, जैसे बोले 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर तो पहले क्या लिखोगे सर 45 इनटू 45 करना है फिर वो वाला मेथड लगाना स्टार्ट करोगे, है ना। लेकिन हम यहां पे तुम लोगों को शॉर्टकट बताना चाहते हैं कैसे करना, ठीक है। तो पहले 5 इनटू 5 कर लेना, 5 का स्क्वायर क्या कर लेना 25 बूटअप कर लेना, ठीक है। फिर 4 को करना 4 से लेकिन एक बढ़ा के एक मल्टीप्लाई करना 5 को 20, तो 20 25 से इसका आंसर बनेगा, आंसर कितना बनेगा 20 25। स्टेप देखो क्या फॉलो किए हैं, हमको समझो स्टेप फर्स्ट में क्या बोले हैं कि 5 का स्क्वायर को हमेशा हर, तो आपको हम कैलकुलेशन नंबर रूल नंबर आपको 6 करा रहे हैं, कैलकुलेशन का ही पार्ट है ना, ये सब आपके क्या है कैलकुलेशन के पार्ट है, रूल नंबर आपको 6 हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई 45 का स्क्वायर करना है तो क्या करना 5 का स्क्वायर लिख देना 25, अब 4 को एक बढ़ाना 5 into 4 20, ये तुम्हारा आंसर हो गया, हमने लास्ट अभी रूल नंबर 5 देखे हैं ना। रूल नंबर 6 में क्या करना है छोटे कि अगर 5 into 5 रह गया, सपोज 4 into 5 रह गया है ना, अब 5 into 5 रह गया है ना, क्या बताना चाहते हैं यहां पर समझो, यूनिट प्लेस दोनों को क्या है सेम सेम है, यूनिट प्लेस क्या है सेम सेम है, अब दोनों को टेंस प्लेस क्या डिफरेंस 1 का है, टेंस प्लेस कितना ही डिफरेंस है 1 का, और यूनिट प्लेस क्या है 5 5 का, तो कुछ नहीं करना पहले आपको 75 यहां प्लेस करना, 75 आपको क्या करना प्लेस करना, ठीक है। अब देखो 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, तो 5 को आपको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर में से 1 को घटा देना है, ठीक है, 5 का स्क्वायर में से क्या करना आपको 1 को घटा देना, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 1 गया तो बताओ कितना होगा, इसमें से क्या कितना होगा 24, 24 75 आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका 24 75, कैसे बना फिर देखो, फिर हम तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको फिर से एक बार देखना अच्छे से देखना कि हम बताना चाहते हैं, फिर से देखना यूनिट प्लेस क्या रहना चाहिए 5, यूनिट प्लेस क्या रहना चाहिए 5, कोई भी नंबर लेते हैं 85 इनटू 95, यूनिट प्लेस क्या है 5 5 है दोनों का, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में पहले 75 प्लेस कर लेंगे, लास्ट में कितना लिखेंगे 75, अब बड़ा नंबर कौन है, ये तो इसका काम हो गया ना, यूनिट प्लेस का काम हो गया, 8 9 को देखना 8 9 से बड़ा कौन है 9, तो 9 का फर्स्ट स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर में से डिफरेंस कितना है दोनों का, दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 क्या करेंगे अब सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 क्या करेंगे इसमें सबट्रैक्ट, और 9 का स्क्वायर तुम्हें पता है कि 81 होगा, है ना, इसलिए बताया कि स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको इसलिए बताते हैं कि आपको स्क्वायर टेबल और कीवा को याद करना, इससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 में समझ जाएगा तो 80 75, है ना, ये समझ में आ गया बात कैसे आपको करना सीख लिए, है ना, सीख लिए ना। देखो तो इसको पीछे रूल तुम लिख दिया करो, रूल स्टेप हम क्या फॉलो कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं आपको 75 पहले प्लेस करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है
बिग नंबर, बिग बिगेस्ट नंबर ऑफ टेन स्पेस, टेन स्पेस के स्क्वायर में से, स्क्वायर में से क्या करना है आपको, वन सब्ट्रैक्ट करना, वन क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, तो फाइनल आंसर बन गया ना। तो फटाफट एक और रिकैप कर लेते हैं ना, देखो कैसे चल रहा है, बस थोड़ा सा आपको देखो 70 कोई भी नंबर ले लो, 65 into 75 है ना, ये क्या सेम सेम 5 5 सेम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 था, तो पहले 75 पहले पुट कर लेंगे, 75 पुट किए, अब इसमें से 6 और 7 से बड़ा कौन है, 7, तो 7 का स्क्वायर करके 1 को उसको सबट्रैक्ट करना, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 है ना, तो कितना आ जाएगा 48, 75, तो सीख पाए ना, सीख पाए, देखो फिर और एक और करो फटाफट, 45 into 35 है ना, 55 into 10 सेम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 का है, तो 5 का स्क्वायर नहीं करना, 75 हमें लिखना, पहले आपको क्या लिखना 75 लिखना, उसमें स्क्वायर कर देते थे ना, क्यों कर रहे थे, क्योंकि टेंस प्लेस भी क्या था सेम सेम था, लेकिन टेंस प्लेस यहां का डिफरेंट यूनिट डिफरेंस कितना 1 का, तो पहले 75 यहां पुट करेंगे, फिर 4 3 से बड़ा कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 75 है ना, 16 में से 1 गया तो 15 75 बंदा 75 सीख पाए, तो आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना, इसे बाद में क्या करना है सीख पाए, ठीक है, ओके, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।